देखो आप यहाँ पे ऐसे सेक्सी सा पोज देके फोटो भी खिंचवा सकते हो। बाकी और आगे मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ब्राइटनेस कम करके क्लियर दिखा दो, अगर नहीं दिख रही तो दिख रही है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अंदर और चलो आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। अभी तो फिलहाल ये चिड़िया मिली है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पे अब मैं आ गया हूँ ऊपर और DSLR रखी है मैंने बैग में, क्योंकि अलाउड नहीं है तो फ़ोन से मेरी वीडियो शूट हो रही है, तो क्वालिटी को एडजस्ट कर लेना। तो गाइस देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसा बना हुआ है, अगर मैं अंदर आपको दिखा दूँ तो देखो यहाँ पे आवाज़ गूंजती है। ये पूरा यहाँ से देखो, वहाँ पे देखो, पूरा ये ऐसे ही बना हुआ है, कुछ है नहीं, पुराने ज़माने का है। और इधर एक थोड़ा सा रूम भी बना हुआ है, अगर दिखा दूँ तो मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो भी रखी है, कुत्ते सोते हैं यहाँ पे, और यहाँ आवाज़ गूंजती है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे बाहर आते हैं और पीछे पीछे आ जाओ मेरे आप सभी लोग। और यहाँ पे हर जगह देखो गाइस यहाँ पे ना कुत्ते बहुत है, और कुत्तों के लिए ना आप थोड़ा पास आ जाओ, उन्हें आवाज़ नहीं आएगी। कुत्तों के लिए इन्होंने बोरियाँ रख रखी है, ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे सेम वही चीज़ है जो उस साइड है, ये एक्चुअली ऊपर से जाके ना ऐसे आप, मैं बाहर से आपको दिखा सकते हैं भैया, सामने दिख रहा है ना, ये सेम ऐसे ऊपर भी है, ये सेम ऐसे ही है। और यहाँ पे आप फोटोशूट बड़ी सेक्सी मतलब बहुत अच्छे से करा सकते हैं यहाँ पे। आओ मैं दिखाता हूँ आपको, देखो आप यहाँ पे ऐसे सेक्सी सा पोज देकर फोटो भी खिंचवा सकते हो। बाकी और आगे मैं दिखाता हूँ आपको, देखो इसकी वो देखो कितनी मस्त है, क्या बोलते हैं उसको, डेकोरेशन। और यहाँ पे देखो ये है क्या चीज़, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा, यहाँ पे देखो ये बड़ा गुंबद और वो शायद छोटा गुंबद है जो उस साइड है हमारे बैग पे, वो छोटा गुंबद और ये बड़ा गुंबद, और इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं तो मैं आपको कैमरे में दिखा देता हूँ, पोज करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और मैं आपको और दिखाता हूँ उधर देखो, उधर वो जो गार्ड घूम रहा है ना वो बड़ा हरामी टाइप का है, क्योंकि वो हमें शूट नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो मैं आपको और दिखाता हूँ आगे, और देखो गाइस एक व्लॉगर को क्या क्या सहना पड़ता है वो मैं आपके सामने अपने व्लॉग में दिखाता हूँ। मैं गार्ड्स तक मना करते हैं कि यहाँ पे वीडियो शूट मत करो, तो हमें क्या क्या करना पड़ता है। और गाइस ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आप फोटो शूट कर सकते हो। अगर थोड़ा पीछे जा के पूरा दिखा दो तो मेरे को भी ले, थोड़ा सा और आ गया तो। और देखो गाइस यहाँ पे थोड़ा और आ गया, जल्दी आओ। इसके अंदर भी है कुछ, इसके अंदर अगर मैं आपको दिखा दूँ अंदर जाके, तो आ जाओ इसके अंदर क्या है हम देखते हैं फटाफट। गाइस देखो इसको कहते हैं कुंभ, यहाँ पे मेरी आवाज़ गूंजेगी। और आपको दिखाओ, मैं एक चीज़ दिखा दूँ अंदर आ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कृपया शांति बनाए रखें, पर्यटकों से निवेदन है कि समस्कर में बैठना मना है।
यहाँ पे आवाज गूंजती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे पूरी आवाज गूंजेगी, और थोड़ा हम बाहर आते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग अच्छी नहीं है। और ऊपर अगर मैं दिखा दूँ तो देखो ये कितना बड़ा है, आप अगर ऊपर देखोगे तो ये पूरी यहाँ पे आवाज गूंजती है। आ जाओ बाहर, बाहर आते हैं फटाक से। और देखो सामने वहाँ पे हम फोटो शूट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी डेकोरेशन, और वो शायद इस्लाम में लिखा हुआ है तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, या डेकोरेशन या इस्लाम में कुछ लिखा है वो मुझे नहीं पता, आप अपने कमेंट्स में बताना ठीक है। और चलो जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आपको हर चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो और क्या चीज़ है, यहाँ पे कुछ नहीं है खाली, और उधर वो जिसने हमें मना करा। और यहाँ पे देखो ये पूरे ऊपर देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन है, अगर मैं आपको ऊपर ऊपर दिखा दूँ तो पूरे देखो। और वहाँ पे मैं डैम छोड़ूँ, वो कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे सर्कल में उधर इस्लाम में, अगर किसी को आता है तो मेरे को पढ़ के जरूर बताना। और देखो यहाँ पे आप फोटो शूट करवा सकते हो ऐसे करके, अगर पोज दे सकते हो आराम से सेक्सी वाला, ठीक है। मैं तो हूँ नहीं खैर, तो इसलिए मैं नहीं दूँगा। और अब हम चलेंगे, ये हमारा पूरा टूर हो गया बड़े गुंबद का, अब हम करेंगे छोटे गुंबद का टूर जो सामने है, तो अब चलते हैं हम उधर। तो गाइस देखो यहाँ पे हमने बड़ा गुंबद घूम लिया जो कि उधर था पीछे, ठीक है। अब हम चलेंगे इसमें, ये इसका नाम है शीश गुंबद जो कि ये छोटा सा है, तो जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पे ये बस गार्डन और गुंबद गुंबद है, और ज़्यादा कुछ है नहीं बेसिकली यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका नाम है शीश गुंबद, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो पोज करके वीडियो, ठीक है। अगर पढ़ना होगा हम आगे आते हैं सीधे वीडियो से, यहाँ पे सीढ़ियाँ ही देख के। और देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पूरा इन्होंने मैप वगैरह दिखा रखा है, ये अगर आपको देखना है तो वीडियो पोज करके देख लेना, ठीक है। हम सीधा अंदर चलते हैं, ठीक है। और ये सीढ़ियाँ यहाँ पे ध्यान से, और देखो गाइस ये कुछ यहाँ पे बन रखा है लाइक कब्र टाइप है, ये मेरे को नहीं पता ये कब्र है क्या, बट मेरे को लग रहा है। और यहाँ पे देखो अंदर, यहाँ पे ऊपर ये सेम टू सेम वैसे ही जैसे सामने वाला है, और यहाँ पे भी सेम वैसे ही ऊपर है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। और यहाँ पे भी लोगों ने देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दीवारों पे नाम वाम लिख रखे हैं जो कि नहीं लिखने चाहिए। और यहाँ पे ये भी सेम वैसे ही है, तो ये बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे कुछ एक कवर टाइप बनी हुई है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो। गाइस ये था हमारा लोधी गार्डन फिलहाल, और अभी हमें और कुछ दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो अभी मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ ढूंढ के, क्योंकि ढूंढ ढूंढ के ही दिखाना पड़ता है मेरे को आपको हर चीज़, बेस्ट टू बेस्ट। तो गाइस देखो आफ्टर लॉकडाउन मैं पहली बार आई हूँ मेट्रो में लॉकडाउन के बाद, यहाँ पे पूरा मेट्रो स्टेशन खाली, पूरा मेट्रो स्टेशन खाली है, बस हम ही लोग, कोई नहीं है यहाँ, पूरा पूरा खाली पड़ा है। और यहाँ पे मेट्रो में मास्क लगा के आना है, बिना मास्क आए तो वापस जाना पड़ेगा। और गाइस देखो यहाँ पूरे मेट्रो स्टेशन में आपको एक क्रॉस दिखेगा और ये बिना क्रॉस दिखेगा, क्रॉस दिखेगा बिना क्रॉस दिखेगा, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बिना क्रॉस वाले पे बैठना है, क्रॉस वाले पे बैठ गए तो वो गलत है, आपको डिस्टेंस लेके बैठना है। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये चीज़ ये स्टिकर लगा रखे हैं कि आपको सिर्फ यहीं यहीं खड़े होना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस रखना है। और पूरी सीट पे देखो कैसा कर रखा है कि एक पे बंदा बैठेगा और एक पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और ऐसे ही पूरे के पूरे मेट्रो में हो रखा है, अगर मैं आपको पूरे मेट्रो दिखा दूँ तो ये कुछ चेंजेस हैं। और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है गाइस, अगर आप मेट्रो में आ रहे हो। और दूसरी चीज़ कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपको बुखार नहीं आना चाहिए, अगर आपको बुखार हुआ तो आप मेट्रो में ट्रैवल नहीं कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना हो। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने घर पे, और कैसा रहा व्लॉग मेरा ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। गाइस मेरी ये वीडियो शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पे भी, जहाँ भी आप जहाँ तक शेयर कर पाओ वहाँ तक शेयर कर देना। और गाइस मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, कुछ टाइम से मैं एक्टिव हो जाता हूँ वीडियो नहीं डालता हूँ, और वो इसलिए नहीं डालता हूँ ना
क्योंकि क्या होता है कि मेरे को यार देखो मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ऑब्वियस बात है सब बनाते हैं, बट अगर व्यूज़ ना आए ना तो हम थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो मैं भी हो जाता हूँ और फिर मेरा वीडियो डालने का यार मन नहीं करता कि यार क्या डालूँ यार वीडियो, कितने व्यूज़ आते हैं मेरे 100 200, क्या क्या करूँ मैं, इतना मतलब मन नहीं करता वीडियो डालने का। बट बीच बीच में मैं आ जाता हूँ वापस यूट्यूब पे, पता क्यों, किसकी वजह से मैं आता हूँ यूट्यूब पे, मेरे को मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं मतलब काफ़ी प्यार करते हो मुझे, मैक्सिमम 1 या 2 होंगे या ज़्यादा से 5, तो उन्होंने मेरे को किसी एक ने मेरे को मैसेज करा है कि सर आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो मैंने उन्हें बताया कि यार मज़ा नहीं आ रहा मेरे को काम करने में क्योंकि व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं इसलिए मैं नहीं डालता वीडियो, तो उन्होंने कहा सर देखो वीडियो तो आप डालो प्लीज़ क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देख के इंस्पायर होता हूँ और मैंने आपकी ही वीडियो देख के अपना चैनल खोला है और अगर मेरी इंस्पिरेशन ही हार मान लेगी तो मैं क्या करूँगा। तो यार ये बात ने मेरे उसकी दिल पे लग गई, मतलब उसने जो ये चीज़ बोली ना वो दिल पे लग गई कि यार मेरे को लोग अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, मुझे बिलीव नहीं होता बट खैर लोग तो नहीं वो बंदा ज़रूर मानता है, ऐसा उसने मुझे कहा। तो सिर्फ ऐसे ही बंदों के लिए मैं वापस आ जाता हूँ एंड अब आई प्रॉमिस कि अब नहीं जाऊँगा क्योंकि उस बंदे ने मतलब ऐसे ऐसी बातें बोली ना मुझे कि सर मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं हर चीज़ आपकी तरह ही करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ तक कि उसने मेरे को अपना चैनल भी दिखाया और उसके चैनल पे वीडियोस भी वैसी हैं सेम जैसी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है एंड वो डिटो मेरे को कॉपी करने की कोशिश करता है एंड मैं ये देख के शॉक था कि ओ वाओ यार, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको कोई अपना इंस्पिरेशन मानता है और वो आपको फॉलो करता है और आपको आपकी तरह बनना चाहता है, मतलब यार सोच सकते हो कि कितनी खुशी होती होगी कि कोई आपकी तरह बनना चाहता है। खैर मैं तो वो डिज़र्व नहीं करता वो चीज़, बट जब से उसने बातें बोली है ना तो आई थिंक अब थोड़ा बहुत डिज़र्व करना चाहिए मुझे, जो मुझसे इंस्पायर हैं मैं उनको और इंस्पायर करूं, इसलिए मैं वापस से अब वीडियो डालूंगा एंड आई होप कि काफ़ी लोग मुझसे इंस्पायर हों हैं, अब मैं खुद इंस्पिरेशन बनूं क्योंकि क्योंकि यार मेरे को मतलब यार यार शिट कॉल आ गई फोन का है, एक मिनट। हेलो, हाँ भाई ठीक है करवाता हूँ, ठीक है ओके ओके, सॉरी गाइस कभी कभी कॉल आ जाता है, आप तो मेरे फैमिली वाले हो तो क्या कट करूँ सीधा देख लेना, ठीक है। तो चलो गाइस फिलहाल इतना ही, अब रेगुलर वीडियोज आएगी, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं और लव यू यार, तुमने मुझे इंस्पायर करा, तुम मुझे अपना इंस्पिरेशन मांगते हो बट मेरे को इंस्पायर करने वाले तुम लोग ही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है गाइस, प्लीज़ हेल्प करना मेरी, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, आप लोग मेरी हेल्प करो, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, खुश रहना, टेक केयर।